सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दशा माता या होली दशे की नल और दमयंती वाली कहानी। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाए। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी भी तरह के जाप या पाठ की कोई भी किताब खरीदना चाहते हैं और ये आपके एरिया में आपको नहीं मिल रही है तो इसे आप मेरे अमेज़न स्टोर से खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आपको हर तरह की जाप और पाठ की किताबें मिलेंगी। अगर आपकी पसंद की किताब स्टोर में उपलब्ध नहीं है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं और मैं उस किताब को ढूंढकर स्टोर में आपके लिए डाल दूंगी। इसके अलावा गणगौर और नवरात्रि की पूजा के लिए किसी भी तरह का अगर कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने अलग से डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप रोज की पूजा का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसका अलग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपके घर में शादी विवाह या दूसरा कोई फंक्शन या पूजा या समारोह है तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से एक स्टोर बनाया है। अमेज़न पर हजारों जो चीजें अवेलेबल हैं उनमें से मैंने छांट छांट कर बहुत ही रीजनेबल और अच्छी क्वालिटी और उचित दाम वाली चीजें चुनकर मैंने आपके लिए ये लिंक तैयार किया है। तो अगर आपको इनमें से रोज की पूजा, किसी खास त्योहार की पूजा, शादी विवाह या किसी अन्य तरह के सामान की जरूरत हो तो आप उनके अलग अलग लिंक्स पर जाकर वहां से ये सामान खरीद सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नल और दमयंती वाली कहानी। गणेश जी की कहानी अंत में दी गई है। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज करते थे। उनके दो पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशे का व्रत था। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और उसने रानी से कहा कि दशा माता का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं और इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि के अनुसार पूजन करके अपने गले में बांध लिया। कुछ देर के बाद राजा नल वहां आया और उसने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी तुमने ये डोरा क्यों बांधा है? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने उसके डोरे को तोड़कर आग में फेंक दिया। रानी ने जल्दी से डोरे को उठाया और उसे पानी में घोलकर पी गई और राजा से बोली, ये तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। उसी रात को जब राजा सो रहा था तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से बोली, राजा तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया रूपी दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के सारे ठाठ बाट, हाथी घोड़े, लाभ लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। यहाँ तक कि भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, ठीक है, हम अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं, वहां जो भी काम मिल जाएगा वो कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां पर राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गाँव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ। मित्र ने कई पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया और अपने शयन कक्ष में सुला दिया। उस कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा हुआ था। आधी रात में रानी की नींद खुली तो उसने क्या देखा कि वो बेजान खूंटी उस हार को निगल रही है। ये देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर उसे भी ये दिखाया। तब दोनों ने विचार किया कि सुबह होगी तो मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, इसलिए इसी समय हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहां नहीं था। उसने अपने पति से कहा, तुम्हारा मित्र कैसा है जो मेरा हार चुरा कर रात्रि में ही भाग गया? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कभी ऐसा नहीं कर सकता, तुम धीरज रखो और कृपया उसे चोर मत कहो। कुछ और आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया।
राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि वो कैसे हाल से आए हैं। वो बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल आए हैं और दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन एक थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, लेकिन रानी ने जमीन में गाड़ दिया। अब वो वहां से आगे चले, रास्ते में एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी को दी और बोला, तुम इन मछलियों को भूनकर रखो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा और सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी सोचेगी कि राजा खुद तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी जब मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में वापस चली गईं। अब रानी ने उदास होकर सोचा कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि रानी सारी मछलियां खुद खा गई और मुझसे झूठ बोल रही है। जब राजा वहां आए तो मन ही मन सारी बात समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं पर नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन बीत गए। जब होली दस्से का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया, दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, ला मैं तेरा सिर भी गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तो उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। ये देखकर राजमाता की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से आंसू की दो बूंदें गिर पड़ी। ये आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं राजमाता? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है, उसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। ये देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ, दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छिपाई? दासी बोली, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे अपनी गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जवाई राजा कहाँ है? बेटी बोली, वो इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। गांव में उनकी खोज कराई गई और सब लोग उन्हें महल में लेकर आए। जवाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनवाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम अपने राज्य वापस जाएंगे। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जवाई को विदा कर दिया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया, लेकिन असल में चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। रानी ने भी अपनी पूरी बात बताई। बोली, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होंगी, लेकिन वो तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि वो कैसे हाल से आए हैं। उसने बताया, बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। ये सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और बोली, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। ये कहकर उसने उस जगह को खोदा जहां उसने कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें उसने बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने पहले के समान ही उनका खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात को सोने के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में भेजा। मोरनी वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से राजा को नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार को वापस उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया कि आपका हार इसने निगल लिया था और आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन सुबह नित्य कर्म से निपटकर वे वहां से चल दिए। भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उनके बच्चों को वापस दिलवाया।
जब नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुँचाया। राजा का सारा ठाटपाट पहले जैसा हो गया। दशा माता ने राजा नल दमयंती पर जैसा पहले कोप किया वैसा किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। बोल दशा माता की जय। गणेश जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक सास बहू थी। सास बड़ी ही दुष्ट थी और अपनी बहू को ठीक से खाना नहीं देती थी। बहू को भूख लगती लेकिन वो क्या करती, उसने उसके लिए एक तरीका सोचा। जब वो नदी पर पानी भरने जाती तो घर से सास से छुपाकर थोड़ा सा आटा ले जाती। वहां नदी से पानी लेकर आटे को गूंथ लेती। नदी के सामने ही गणेश जी का मंदिर था। वहां पर जाके वो मंदिर के दीपक से घी लेती और भोग में से थोड़ा सा गुड़ ले लेती। फिर पास के शमशान में जाकर उस गूंथे हुए आटे की एक बाटी सेक लेती और बाटी में गणेश जी के मंदिर से लिया हुआ घी और गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बनाती, फिर गणेश जी के भोग लगाकर खा लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। गणेश जी को ये सब देख के बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रख ली। दूसरे दिन जब मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली रखी हुई है। मंदिर में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग हैरान थे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो गणेश जी ने नाक पर उंगली रखी हुई है। मंदिर के पुजारियों और बड़े बुजुर्ग समझदार लोगों ने बहुत तरह तरह के उपाय किए कि किसी तरह गणेश जी अपनी नाक से उंगली हटा लें, लेकिन गणेश जी ने उंगली नहीं उतारी। तरह तरह के हवन पूजा किए गए लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने आसपास के सारे गांवों में भी कहलवा दिया कि जो भी गणेश जी की नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहुत से लोग आए और उन्होंने तरह तरह के उपाय किए लेकिन गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। तब एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करती हूँ। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े लोगों ने तो कोशिश कर ली, तू क्या करेगी, तेरे करने से क्या होगा। तू कहाँ की अकलमंद आई है जो तेरे कुछ करने से गणेश जी नाक से उंगली हटाएंगे। लेकिन बहू बोली, नहीं माता जी मैं एक बार कोशिश करके तो देखती हूँ। वो मंदिर गई और उसने जाकर पुजारी से कहा कि मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटवा सकती हूँ। जैसे ही इस बात का पता चला वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए कि देखें ये क्या करती है। बहू घूंघट निकालकर मंदिर के अंदर गई, भगवान के आगे पर्दा लगा दिया और गणेश जी से बोली, मैं अपने घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया हुआ घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, तो इसमें तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हुआ। तुमसे मैंने क्या ले लिया जो तुम नाक पर उंगली रखकर बैठे हो, इतने दिन से लोगों को परेशान करके रखा है, चलो उंगली उतारो। उसकी ये बात सुनकर गणेश जी को हंसी आ गई। उन्होंने सोचा कि कह तो ये ठीक ही रही है, इसने जितनी बार भी चूरमा बनाया सबसे पहले मेरे भोग लगाया, और फिर अगर इसने चोरी भी की तो उसमें इसका कोई दोष नहीं, इस बेचारी को तो खाने को नहीं मिलता था इसलिए मजबूरी में इसे ऐसा करना पड़ा। मंदिर से सामान ले जाने के बाद भी इसने हमेशा खुद खाने से पहले मेरा भोग जरूर लगाया, ये मेरी पक्की भक्त है। ये सोचकर गणेश जी ने नाक से उंगली हटा ली। बहू पर्दा हटाकर बाहर आई और सारे लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वाकई गणेश जी की नाक से उंगली हट गई थी। तब उन्होंने कहा, अरे बहू तूने उंगली कैसे हटवाई, तू तो बड़ी जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी तो मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा गूंथती, फिर बाटी बनाकर शमशान में चिता की आग पर उसे सेकती, गणेश जी के दीपक से घी लेती, प्रसाद से गुड़ चुराकर चूरमा बनाती, फिर गणेश जी के भोग लगाकर खुद खाती। इसीलिए गणेश जी को हैरानी हुई थी और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली थी, और अब मेरी प्रार्थना पर उन्होंने नाक से वो उंगली हटा दी है और मुझे वरदान दिया है कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। उसकी ये बात सुनकर सब लोग बहुत ही खुश हुए और उसकी सास बड़ी शर्मिंदा हुई। उसने बहू को गले लगा लिया और बोली, मुझे माफ कर दो बहू, आगे से मैं तुम्हारे खाने पीने का पूरा ध्यान रखूंगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहू पर कृपा की वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोल गणेश जी महाराज की जय।